आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर का एक सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका जो फॉर्मेट होता है इस टाइप में होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये जो भी ऑर्डर होता है उसका क्या होता है, कोफिशियंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि इसमें हायर ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि 5 हो सकता है ऑर्डर, 6, 7, 8 कुछ भी हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। और इस ऑर्डर का जो हमारा कोफिशियंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो इसका जो सिम्बो, इसको जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका जो बनाने का तरीका होता है क्या होता है, देखो जो हमारा डी पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन है ना, इसको हम लोग लिखते हैं क्या कि डी एन लिख देते हैं, डी पावर एन। जैसे कि यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखें, डी। उसी तरह से कैपिटल डी लिखे, उसी तरह से यदि डी का पावर 2 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी का पावर 2, ठीक है। उसी तरह से डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को क्या लिखे हैं, डी क्यूब। इसका जो सिम्बोलिक फॉर्म, यदि इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी का पावर एन लिख सकते हैं, फिर प्लस इसका ए वन है तो ए वन लिखें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डी का पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन है तो एन माइनस वन, फिर प्लस ए टू डी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या किए, देखो सभी में से वाई बच रहा था, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, वाई को जस्ट कॉमन ले लिए, इक्वल टू एक्स, ठीक। अब जब देखिए, जब हम इन सभी यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व करते हैं ना, तो जो वैल्यू हमारा निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद जो हमारा ये वाला वैल्यू निकलता है बराबर के इस पार वाला, उसको हम लोग जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए, अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्सोडी इक्वेशन में उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जहां पे हमारा डी का पावर एन लिखा हुआ हो, उस डी को हटा करके हम लोग क्या लिख देते हैं, उसके जगह पे एम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डी का पावर एन है तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, एम का पावर एन कर दिए। उसी तरह से ए वन डी का पावर एन माइनस वन है तो यहाँ पे क्या कर दिए, एम का पावर एन माइनस वन। क्योंकि हम लोग क्या किए, एक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ डी को रिप्लेस कर दिए एम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, चलो आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके बाद क्या निकलता है, हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है, ठीक है। तो देखो इसका क्या है, रूल है कि देखो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा कोई कुछ ना कुछ वैल्यू आता होगा, कोई ना कोई रूट। जैसे कि हमारे पास केस नंबर वन क्या कहता है कि यदि हमारे पास वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, यदि इस टाइप का वैल्यू आ जाता है तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स। तो एम वन क्या है, एम वन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स। तो एम टू का वैल्यू क्या है, टू, तो टू एक्स लिख देंगे। फिर उसी तरह से सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स है तो यहाँ पे एम थ्री की जगह हम लोग थ्री लिख देंगे एक्स। तो उसी तरह से जब हमारा क्या हो, रूट क्या हो, हमारा रियल एंड डिस्टेंस हो, तो हम क्या लिखते हैं, सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स डॉट 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 डॉट, ये हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं। यदि बाय चांस हमारा क्या होता है कभी कभी कि दो रूट हमारा इक्वल आ गया, जैसे कि हमारा आ गया 1, 1 और 2, हमारा क्या निकला, वैल्यू आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि दो रूट इक्वल है, तो इस कंडीशन में हमारा एग्जैक्टली इक्वेशन जो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का यदि हम लोग का निकल जाता है वैल्यू, तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका देखो क्या है, सी वन एक्स प्लस सी टू ई टू दावर एम वन एक्स प्लस सी थ्री ई टू दावर एम थ्री एक्स प्लस डॉट 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 सी पावर एन सॉरी सी एन ई टू दावर एम एन एक्स। ये क्या है, फॉर्म है। जैसे कि इसको मैं अभी लिखता हूँ तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम मान लो बाई चांस ये आ गया हमारे पास फॉर्म, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सी वाई इक्वल टू सी है तो सी वन लिख देता हूँ, एक्स वन की जगह वन तो वन प्लस सी टू की जगह सी टू, ठीक है, इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या है ई एम वन, एम वन का वैल्यू कितना है, वन वन एक्स, वन से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक्स ये होगा प्लस फिर क्या है सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री, एम थ्री का वैल्यू क्या है टू एक्स है तो एक्स प्लस डॉट 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 डॉट
फिर उसी तरह हमारे पास ये जाते रहेगा, ठीक है। यहाँ तो जो कि तीन ही वैल्यू है तो हम लोग यहीं तक लिखेंगे। तो ये क्या है, फंक्शन है। और दो और हमारा केस है, देखो। अब जो हमारा तीसरा केस क्या कहता है, यदि इफ टू रूट्स आर द एग्जैक्ट इक्वेशन आर इमेजनरी, यदि हम लोग जब एग्जैक्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यदि हमारा इमेजनरी आ जाए, ठीक है, तो इमेजनरी संख्या जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो लिखने का फॉर्मेट क्या है, ई टू द पावर ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स प्लस डॉट 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 सी एन ई टू द पावर एम एन एक्स। ये क्या फॉर्मेट है, यदि हमारा क्या आ जाए, इमेजनरी आ जाए, ठीक है, रूट, इमेजनरी रूट आ जाएगा, तो हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यदि टू पेयर आ जाए, जैसे कि एम वन एम टू इक्वल टू कोई इमेजनरी, एक इमेजनरी आ गया, फिर एम थ्री इक्वल टू एम फोर दूसरा इमेजनरी आ गया, यदि कोई भी इमेजनरी, इफ टू पेयर्स ऑफ द इमेजनरी रूट्स आर इक्वल हो, तो हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ये आपको चार जो केस आपको मैंने बताया कंप्लीमेंट्री फंक्शन का, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन मैं लेता हूँ, तो देखिए मैंने क्या लिया, एक क्वेश्चन लिया। अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हम लोग का काम क्या होता था, पुट करते थे हम लोग, क्या पुट करते थे कि डी अपॉन डी वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, डी लिखते थे, लिखते थे ना। अब देखो इसको हम लोग क्या इसी फॉर्मेट में चेंज करना है, तो यहाँ पे डी का पावर टू है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस थ्री है तो थ्री, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स है तो हम लोग यहाँ पे ओनली थ्री डी लिख देंगे, ठीक है, फिर माइनस फोर। अब क्या करेंगे, इसको y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सभी में y बचेगा, y को क्या किए कॉमन ले लिए, इक्वल टू जीरो। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन जिसको बोलते हैं, तो एक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पुट करते हैं हम लोग क्या, d को हम लोग क्या पुट करते हैं, m पुट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, तो डी स्क्वायर है तो हमने एम स्क्वायर लिखा, माइनस थ्री है तो थ्री एम माइनस फोर, ठीक है, और इक्वल टू जीरो हम लोग इस टाइप के लिखते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू निकलता है वो इसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या है, जीरो है, तो हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो पहले तो देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, देखो यदि हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर एम प्लस एम माइनस फोर इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे ए ई लिख देता हूँ हम लोग, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन बन रहा है। तो देखो अब मैंने इसको इसको इस टाइप में लिख लिया, आप लोगों ने पहले क्लास में जो पढ़ा होगा कि कैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैंने तोड़ दिया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखो एम एम माइनस फोर फिर प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम माइनस फोर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों के जगह से हम लोग क्या लिखते हैं, एक लिख लेते हैं, एक निकाल लेते हैं, फिर क्या होता है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एम प्लस वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो एम का वैल्यू क्या निकलेगा हमारे पास, फोर, उसके बाद क्या निकलेगा, माइनस वन। तो मैंने आपको सी एफ निकालने का आपको तरीका बताया था, क्या बताया था, सी एफ निकालने का तरीका, कि जब हमारा क्या हो, दो क्या हो, रियल रूट हो, जब रियल रूट होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, देखो क्या था फॉर्मूला, कि सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स, ऐसे था ना। तो देखो अब मेरा क्या निकला, दो वैल्यू निकला, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स, तो एम वन का वैल्यू कितना है, फोर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स, एम टू का वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस एक्स। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, सी एफ हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब यदि तो चलिए अब मैं आपको दो चार एग्जांपल और मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो देखिए मैंने अब क्या लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया। तो देखो इसको फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो वाई का पावर तीन को डैश है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कितना बार हुआ है, तीन बार डेरिवेटिव हुआ है।
तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स एस क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डी क्यूब लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डैश का मतलब दो बार डेरिवेटिव हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ देखो वाई एक बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम लोग सिंपली डी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसका हम लोग यदि इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 9D³, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 3D² माइनस 5D प्लस 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, y कॉमन में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो जब यहाँ पे 0 आ जाता है इक्वल के इस पार, तो समझ लो कि पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा नहीं निकालना है, हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल पहले से 0 है, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग दूसरा स्टेप में, एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी को एम में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9m³ प्लस 3m² माइनस 5m प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने बचपन क्लास में, पिछले बचपन में हम लोग इसको निकालने के लिए सीखा था कि यदि क्यूबिक में हो तो कैसे निकालते हैं। तो देखो हम लोग इस पे पुट करके करके देखते हैं कि जब इन पूरी इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक रूट बन जाएगा। जैसे कि हम इस पे -1 पुट करते हैं, यदि हम एम इक्वल टू क्या लेते हैं, -1 पुट करते हैं इनमें, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका तोड़ने का तरीका है, ठीक है। तो जब इसको 9 -1³ प्लस 3 -1² माइनस 5 m का वैल्यू कितना है, -1 लिया हूँ, फिर +1 इक्वल टू 0। तो देखो जब इनको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा जो एक रूट है वो क्या है, -1, ठीक है, और हमको दो रूट निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो जब -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m+1 सिंपली। उसके बाद इसको भागा दूंगा इससे, 9m³ प्लस 3m² माइनस 5m+1 को से क्या करूंगा, को भागा दूंगा, m+1 से इनको भागा दूंगा। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे m है, यहाँ पे 9m³ है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9m² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 9m³ प्लस 9m². तो देखो यहाँ पे प्लस है चिन्ह तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, देखो ये टर्म मेरा कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, -6m² माइनस 5m+1। उसी तरह से अब हमको -6m² यहाँ पे लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -6m से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -6m × m क्या हो जाएगा, -6m² माइनस 6m, ठीक है, तो फिर प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यह इसको अब ये कितना बच जाएगा, m बच जाएगा m+1, तो फिर +1 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m+1। आई होप ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अब हमारा वैल्यू ये निकल गया, ठीक है। तो अब इन वैल्यू को फिर से तोड़ेंगे, क्योंकि हमको यदि 3 बार यहाँ पे दिया है, पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 रूट निकलेगा, तो हमारा एक रूट निकल चुका है, अब और 2 रूट निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, तो 9m² माइनस 6m+1 है, ठीक है। अब इसको हम लोग, आई होप आप तो निकालोगे, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो रूट निकला है क्या निकलेगा, 1/3 और 1/3, ठीक है। तो हमारा दो एक रूट पहले से निकला था, क्या निकला था, 1 1/3 1/3, ठीक है, क्योंकि 1 मेरा पहले निकला था। ये देखो ये कहाँ गया, ये वैल्यू, ठीक है, सॉरी -1 निकला था। तो अब देखो इसका हम लोग जो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब दो इक्वल हो तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, CF=, लिखेंगे, देखो जब इक्वल होता है तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, C1x प्लस C2 इंटू e^2 m1x। तो m1 यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है, m1 m2 और इसको m3 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3 x प्लस C3 e^3 होता है, तो m3 का वैल्यू क्या है, -1, तो -x हो गया। तो ये था हमारा वीडियो, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए आपका चैनल देव प्रीत को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।